हाय विनर्स, आई होप यू ऑल आर वेल। दिस साइड राजीव आनंद। विनर्स, इस वीडियो में बात करते हैं यूट्यूब चैनल ग्रो करने से रिलेटेड यूट्यूब एनालिटिक्स सीरीज वीडियो नंबर 3 के बारे में। YT स्टूडियो ऐप ऑलरेडी आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है, यूट्यूब एनालिटिक ऑलरेडी आप लोग सर्च आउट कर चुके हो, क्योंकि इससे लास्ट 2 वीडियोज अगर आप लोगों ने मेरी देखी है तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को यूट्यूब का डिस्कवरी सेक्शन एज वेल एज यूट्यूब एनालिटिक्स का ओवरव्यू सेक्शन के बारे में डिटेल एनालिसिस करके दिखाया है। अब बेसिकली हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर YouTube एनालिटिक की 3rd वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे YouTube चैनल प्लेलिस्ट के बारे में। YouTube चैनल प्लेलिस्ट कैसा रोल परफॉर्म करती है और प्लेलिस्ट कैसे आप लोग यूज कर सकते हो और प्लेलिस्ट आप लोगों को कितना हेल्प करेगी आपके YouTube वीडियो को ग्रो करने के लिए। YouTube का जो एनालिटिक सेक्शन है, एनालिटिक के अंदर 4th मेन्यू का नाम होता है YouTube चैनल प्लेलिस्ट। आप एक बार प्लेलिस्ट को व्यू करके देखें, प्लेलिस्ट को विजिट करके देखें और यह देखें कि आप लोगों ने अपने YouTube चैनल पर जितने भी नंबर ऑफ वीडियोस अपलोड कर रखी है उसके लिए कितने नंबर ऑफ प्लेलिस्ट बना रखी है और कौन सी प्लेलिस्ट सबसे ज्यादा देखी जा रही है, कौन सी प्लेलिस्ट के अंदर सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं, क्योंकि प्लेलिस्ट ही आप लोगों को यह बताती है कि आप किस टाइप की वीडियोस बनाएं, आपकी किस टाइप की वीडियोस ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पर सर्च की जा रही हैं या लोग ज्यादा से ज्यादा आपकी प्लेलिस्ट के अंदर जो वीडियोस हैं उसको पसंद कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह आती है, लोग जो है वो क्या करते हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर 1 या 2 प्लेलिस्ट बनाते हैं और उसी के अंदर अपनी सारी वीडियोस अपलोड कर देते हैं। यह यूट्यूब की YT क्रिएटर एकेडमी खुद बोलती है कि आप लोग एक ही वीडियो के लिए मल्टीपल प्लेलिस्ट बना सकते हैं। उसका बेनिफिट यह कि अगर आप लोग मल्टीपल प्लेलिस्ट बनाएंगे तो हो सकता है प्लेलिस्ट के अगर एक टाइटल की वजह से आपकी वीडियो नहीं सर्च में आ रही तो प्लेलिस्ट के दूसरे टाइटल की वजह से आ जाए, दूसरे की वजह से नहीं आ रही तो हो सकता है प्लेलिस्ट के तीसरे टाइटल की वजह से आप लोगों की YouTube जो वीडियो है वो YouTube की सर्च तक चली जाए। इसलिए प्लेलिस्ट सेक्शन को देखना बहुत जरूरी है, प्लेलिस्ट सेक्शन को एनालाइज करना बहुत जरूरी है और एक ये चीज कंफर्म करनी बहुत जरूरी है कि किस टाइप की प्लेलिस्ट के ऊपर हमारे सबसे ज्यादा व्यूज आते हैं। प्लेलिस्ट का एक सबसे बड़ा दूसरा बेनिफिट ये है कि आप लोग प्लेलिस्ट का जो टाइटल है वो 150 करेक्टर्स तक रख सकते हो, एज वेल एज उस प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन भी 5000 करेक्टर्स तक इंसर्ट कर सकते हो। यानी कि आप लोग अपने YouTube चैनल से रिलेटेड जो कंटेंट अपलोड कर रहे हो उस कंटेंट की एक प्रॉपर ब्रीफिंग, एक प्रॉपर डिटेलिंग अगर मैं बोलूं 5000 करेक्टर की, तो वो उठा के आप एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर इंसर्ट कर रहे हो। अगर मैं बात करूं, अगर मैं मेरे क्लाइंट्स के साथ अगर मैं YouTube प्रमोशन का काम करता हूं, वीडियो प्रमोशन का काम करता हूं, तो बेसिकली क्या है कि वीडियो प्रमोशन के कंसेप्ट के अंदर अगर हम लोग YouTube की कोई एक वीडियो प्रमोट करके 5,00,000-10,000 व्यूज तक लेकर जाते हैं तो वो वीडियो ऑटोमेटिक YouTube की सर्च में जाती है और YouTube की वो वाली जो प्लेलिस्ट है वो बूस्ट होना शुरू होती है। लेकिन सोचिए अगर मैं एक ही वीडियो को उठाकर मल्टीपल प्लेलिस्ट में डाल दूं और YouTube की वीडियो प्रमोट कर दूं तो मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा, मेरी वीडियो पर 5,00,000 से लेकर 10,00,000 तक मैंने प्रमोशन किया, मल्टीपल प्लेलिस्ट बना दी, हर प्लेलिस्ट के अंदर 5,000 करेक्टर डाल के प्लेलिस्ट को फुल कर दिया, टाइटल 150 करेक्टर्स तक सेटअप कर दिए और वीडियो प्रमोट भी कर दी, तो मेरी एक ही वीडियो वायरल होगी और मेरा YouTube चैनल फर्स्ट डे से ही, इवन मैं बोलूंगा फर्स्ट आवर से ही आप लोगों का YouTube चैनल ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये है YouTube चैनल एनालिटिक्स की पावर, ये है YT स्टूडियो ऐप की पावर, ये है YouTube एनालिटिक्स की पावर। अगर आप लोगों ने एनालिटिक प्रॉपर समझ लिया, मेरी ये तीनों वीडियोज, ये वीडियो थी मेरी प्लेलिस्ट के बारे में, इससे लास्ट वीडियो एनालिटिक्स डिस्कवरी सेक्शन के बारे में और उससे प्रीवियस जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी वो वीडियो थी यूट्यूब चैनल के ओवरव्यू सेक्शन के बारे में। अगर आप लोगों ने ओवरव्यू, डिस्कवरी और प्लेलिस्ट ये तीनों कंसेप्ट यूट्यूब एनालिटिक्स के कंप्लीटली डिटेल स्टडी कर लिए, उसको इन डीप जाकर उसको प्रॉपर सर्च कर लिया, उसको प्रॉपर समझ लिया, तो आप लोगों को यूट्यूब चैनल से ग्रो करने में कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। थैंक यू सो मच।